श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, राजा सूरसेन और राजा कुंती भोज आपस में दोनों रिश्तेदार हुआ करते थे। तो इनमें जो राजा कुंती भोज थे उनके कोई संतान नहीं थी, तो स्नेह के कारण राजा सूरसेन ने अपनी जो बड़ी पुत्री जिसका नाम प्रथा था वह राजा कुंती भोज को दे दिया था। अब क्योंकि राजा कुंती भोज निसंतान थे, जब यह प्रथा नाम की कन्या इनके यहाँ पर आ गई तो इस प्रथा का बड़े ही लाड़ और प्यार के साथ में महाराजा कुंती भोज ने पालन पोषण किया। प्रथा सबकी ही लाड़ली थी, महल में ही उसके शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे उस प्रथा के गुण सबको दिखाई देने लगे। वह बड़ी ही ज्ञानवान, समझदार और नीति कुशल थी। राजा कुंती भोज के द्वारा गोद लिए जाने के कारण ही बाद में यही प्रथा कुंती के नाम से विख्यात हुई है। एक समय राजा कुंती भोज के यहाँ पर महामुनि दुर्वासा पधारे। अब महामुनि दुर्वासा भगवान के बहुत बड़े भक्त, लेकिन साथ में बहुत बड़े क्रोधी भी थे। अब उनकी सेवा कौन करे? तो राजा कुंती भोज ने विचार किया कि प्रथा बड़ी ही नीति कुशल और धार्मिक बुद्धि वाली है, इससे अच्छी सेवा महामुनि दुर्वासा की और कोई दूसरा प्राणी नहीं कर सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने प्रथा को बुलाया, कहा कि बेटी, महामुनि दुर्वासा बहुत बड़े ईश्वर भक्त हैं और साथ में क्रोधी भी हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि मुनि दुर्वासा की ऐसी सेवा होना चाहिए कि उन्हें कोई असुविधा ना हो और वे क्रोधित ना हों। कुंती ने अपने जो पिता थे उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और महामुनि दुर्वासा की सेवा में लग गई। दुर्वासा मुनि राजा कुंती भोज के यहाँ कोई दो चार दिन या एक दो तीन हफ्ते नहीं रुके, पूरा एक वर्ष तक रुके हैं। और एक वर्ष तक कुंती ने भी बड़े ही मन लगाकर उनकी सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने अथर्ववेद के शिरोभाग के कुछ मंत्र, जिनमें कि देवताओं के आवाहन की क्रिया बताई गई है, यह मंत्र साविधि कुंती को बताए। अब जो विधि महामुनि दुर्वासा ने कुंती को बताई थी उस विधि के अनुसार कुंती ने उन मंत्रों को सिद्ध कर लिया। अब मुनि दुर्वासा तो चले गए। कुंती ने एक दिन मन में विचार किया कि देखें, यह मंत्र जो महामुनि दुर्वासा ने दिए हैं सत्य भी हैं, अथवा मुनि ने वैसे ही मुझसे कह करके और चलते बने। तो मुनि के दिए हुए मंत्रों के प्रति अविश्वास करते हुए उनकी परीक्षा करने के उद्देश्य से कुंती ने क्या किया कि एक दिन सूर्य को ध्यान में रखते हुए और मंत्र का जाप शुरू कर दिया। अब क्योंकि उन मंत्रों का जाप सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए कुंती ने किया था, तो सूर्य नारायण अपने लोक से कुंती के पास में आ गए। कहने लगे, सुंदरी, तुमने मुझे किस कारण से याद किया है? मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं, बताओ। तब कुंती कहने लगी कि प्रभु, मैंने अज्ञानतावश महामुनि दुर्वासा द्वारा दिए गए इन मंत्रों की परीक्षा के उद्देश्य से और आपका ध्यान कर लिया, मुझे आप क्षमा करें। तब सूर्य नारायण कहने लगे
कि सुंदरी सुनो, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता है, क्योंकि तुमने वेद के मंत्रों का जाप करते हुए मेरा आवाहन किया है, और जब मैं आया हूँ यहाँ पर तो मैं तुम्हें कुछ दे करके ही जाऊँगा। तब कुंती कहने लगी कि प्रभु, आप मुझे क्या दे करके जाएंगे? सूर्य नारायण कहने लगे कि मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ और बलशाली पुत्र दे करके जाऊँगा। तब कुंती ने निवेदन किया कि भगवान, विचार करिए, ये असंभव कार्य है, और धार्मिक दृष्टि से, नीति की दृष्टि से ये शोभा भी नहीं देता है, क्योंकि मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है। आप मुझे पुत्र देकर के जाएंगे तो संपूर्ण विश्व में मेरा बड़ा अपमान होगा। मैं आपके चरण कमल पकड़ती हूँ, प्रभु आप ऐसा बिल्कुल ना करें। तब सूर्य नारायण कहने लगे कि सुंदरी सुनो, मैं तुम्हें जो पुत्र रत्न देकर के जाऊंगा वह दानवीरों में परम श्रेष्ठ दानवीर होगा, और युद्ध के क्षेत्र में ऐसा बलवान होगा कि इतिहास उसको याद रखेगा। मेरे द्वारा दिया गया पुत्र नीतिवान, धर्मवान और अपने लालन पालन करने वाले का महान भक्त होगा। जब वह जन्म धारण करेगा तो उसके जन्म धारण करने के पश्चात मैं स्वयं उसकी रक्षा करूँगा। मेरे द्वारा दिए गए कवच और कुंडल उसे अमर बना देंगे, यानी जब तक उसके शरीर पर वो कवच और कुंडल रहेंगे तब तक उसका कोई वध नहीं कर पाएगा। अब किसी कारण विशेष से यदि वह कवच और कुंडल उतार देगा तो ही उसकी मृत्यु हो सकती है, अन्यथा जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर पर रहेंगे तब तक दुनिया का कोई भी वीर उसका वध नहीं कर पाएगा। जब वह तुम्हारे गर्भ में आएगा तो दुनिया को उसके गर्भ में आने का पता भी नहीं चलेगा, और मेरे आशीर्वाद से तुम सदैव कुमारी ही बनी रहोगी। ऐसा आशीर्वाद भी सूर्य नारायण ने कुंती को दिया। जब सूर्य नारायण ने कुंती को ऐसे समझाया तब कुंती कहने लगी कि प्रभु, देव के आगे मेरा कोई बस नहीं चलेगा, इसीलिए जैसी देव की इच्छा हो वैसा करिए। तब सूर्य नारायण ने कुंती के गर्भ में अपना तेज स्थापित कर दिया। जिस समय सूर्य नारायण ने कुंती के गर्भ में अपना तेज स्थापित किया था वह माघ शुक्ल पक्ष, यानि माहों का जो महीना होता है उसके उजाले पाख की जो परमा तिथि होती है, उस परमा तिथि की रात्रि के समय सूर्य नारायण ने कुंती के गर्भ में अपना तेज स्थापित किया था। अब कुंती और सूर्य नारायण के बीच में जो घटनाक्रम हुआ था, इस घटनाक्रम की जानकारी किसी को भी नहीं थी। केवल कुंती की एक जो विशेष दासी थी वो इस रहस्य को जानती थी। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी आपकी सेवा में नए विषय के साथ में प्रस्तुत होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम जी।